उदयपुर रेंज के नए आईजी हिंगलाज दानजी ने आज पदभार ग्रहण किया है, बात करने के लिए मौजूद है। स्वागत है सर आपका। पुराना नाता रहा है सर मेवाड़ से, आपका नई जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा प्रयास रहेगा कि हम भय मुक्त, अपराध मुक्त पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए, उसमें गुणात्मक सुधार के लिए हम त्वरित और समर्पित संवेदनशील पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उनको हम सशक्त करें, और इसके लिए कानून व्यवस्था को हम मेंटेन रखेंगे। जो भी ऐसे तत्व है जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आम जन जो पुलिस थाने में आता है उसके साथ में गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार हो, उसकी बात को पूरी सम्मान के साथ सुना जाए और उस पर जो अपेक्षित कार्रवाई है वो की जाए, उसको हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। पुलिस विभाग के अंदर जो कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज़ है उनमें भी हम गुणात्मक सुधार करने की कोशिश करेंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश में हमारे पुलिस लाइन का मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, उस पर फोकस किया जा रहा है, तो उसमें जो हमें अपेक्षित कार्रवाई करनी है वो हम करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त इस संभाग में जो टूरिस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पे पुलिस की अच्छी व्यवस्थाएं हो, जो टूरिस्ट यहाँ आए वो सुरक्षित महसूस करे और व्यवस्थाएं माकूल रहे, उसके लिए भी हम प्रयास करें। सर, उदयपुर अंचल आदिवासी इलाकों में काफ़ी फैला है, कई कुप्रथाएं भी चल रही हैं, उनको लेकर आप किस तरह से करें? देखिए, आदिवासी क्षेत्र के संबंध में जो भी इश्यूज़ हैं जिसमें पुलिस रिलेटेड जो मामले हैं, कोई मुद्दे हैं, उनका हमारा फोकस यही रहेगा कि हम उन्हीं से और उन्हीं के माध्यम से उसका ऐसी समस्याओं का समाधान करें, ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो और सामाजिक रूप से भी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं उनका समाधान किया जा सके। हम उनके साथ बैठेंगे, उनसे संवाद करेंगे और उनके सुझावों के अनुरूप ही ऐसे कोई अगर इश्यूज़ हैं, ऐसी कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान करेंगे, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए। सर, अगर कोई मामला थाने पे या एसपी ऑफिस में नहीं सुना जाता तो आप कोई नया अभियान शुरू करेंगे जिससे आप तक वो समस्या पहुँच सके? देखिए, वैसे राज्य सरकार की भी नीति है कि फ्री रजिस्ट्रेशन किया जाना है और उसके लिए जिला स्तर पे भी मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को रेंज स्तर पे भी अगर अपनी बात करनी है तो हम एक टेलीफोन नंबर भी जारी करेंगे जल्दी ही, जिस पे वो हमें सीधा टेलीफोनिक बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और व्यक्ति आके तो किसी भी समय हमारे पास बात कर सकते हैं, हम यहाँ हमेशा उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। सर, कोविड के बाद से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लोगों का रोजगार भी गया है, ऐसे में आपराधिक घटनाएं भी ज़्यादातर सामने आ रही हैं, ऑनलाइन ठगी की ज़्यादातर वारदातें आ रही हैं, ऐसे में पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, ऑनलाइन जो इश्यूज़ है उसके संबंध में हम जो भी हमारे पास में लेटेस्ट गैजेट है, टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस है, उसमें मॉनिटरिंग करने का कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को ट्रैक करें, और बाकी जो अपराध बढ़ने की आप बात कर रहे हैं उस संबंध में हम कोशिश करेंगे कि जो प्रिवेंटिव एक्शन है उनको हम और ज़्यादा बढ़ाएं। पेट्रोलिंग है, नाकेबंदी है, चेकिंग है, जो आतंक अपराधी है उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो इन चीज़ों को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि जो अपराध, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई कोविड के बाद में इसकी घटनाएं बढ़ी है, तो उनको हम नियंत्रण कर पाएँ या जो हो जाती है उनको समय पर ट्रैक करें और उसको सॉर्ट आउट करें। एक अंतिम सवाल सर, अपराधियों को क्या संदेश है और पुलिसिंग में जो लोग मतलब संलिप्त हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, अपराधी जो भी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कोई भी ये नहीं समझे कि अपराध करने के बाद में वो पुलिस की पकड़ से दूर चला जाएगा। तो जो भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या अपराध कारित करेगा उसके खिलाफ पुलिस पूरी शक्ति से कार्रवाई करेगी, और जो पुलिस के साथी मेरे टीम मेट है, जो टीम में काम करेंगे, जो संभाग लेवल पर जो हमारा पुलिस फोर्स है, उसके लिए मेरा मैसेज यही है कि हम सब एक फैमिली हैं, एक टीम है, हम टीम भावना से न्यायपूर्ण और जन समर्पित पुलिस प्रशासन देने का प्रयास करेंगे, और उसमें जो भी कार्य होगा उसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे, सब एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे तत्व हमारे पुलिस में भी हो सकते हैं जिनकी वजह से अगर पुलिस की छवि खराब होती है या जिनकी अपराधियों के साथ में संलिप्तता पाई जाती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके साथ भी कोई सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। तो ये आप उदयपुर रेंज के नए आईजी हिंगलाज दानजी को सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि अगर जो भी कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को लेकर समाज से मिलकर ही उनको दूर करने का काम किया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।